बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आ रही है। धूम और धूम 2 के डायरेक्टर संजय गढ़वी का निधन हो गया है। उन्होंने 19 नवंबर यानी कि आज सुबह करीब 10 बजे आखिरी सांस ली। संजय गढ़वी जब सुबह लोखंडवाला बैकग्राउंड में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी उन्हें सीने में अचानक से तेज दर्द उठा। वो वहां पसीने पसीने हो गए। आनंद फानन में संजय गढ़वी को सबसे बड़े हॉस्पिटल कोकिलाबेन अंबानी में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संजय गढ़वी के निधन से पूरी फैमिली और उनके चाहने वाले शौक में है। सोशल मीडिया पर डायरेक्टर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मॉर्निंग वॉक के दौरान संजय को हार्ट अटैक आया। संजय जहां वॉक कर रहे थे वहां से हॉस्पिटल की दूरी मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर थी। रास्ते में कोई भी ट्रैफिक नहीं था। फिलहाल संजय का पार्थिव शरीर कोकिलाबेन हॉस्पिटल में है। खबरें हैं कि आज शाम देर संजय गढ़वी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। संजय गढ़वी की बेटी संजना ने बताया कि उनके पिता का देहांत आज सुबह ही हुआ। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। संजय गढ़वी लोखंडवाला अंधेरी वेस्ट की ग्रीन एकर सोसाइटी में ही रहते हैं। इसी सोसाइटी में श्रीदेवी भी रहती थी। संजय गढ़वी ने बीते दिनों ही श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद पर फिल्म बनाने का ऐलान किया था। खबरें हैं कि फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। संजय ने यशराज फिल्म के साथ मिलकर जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और ऋतिक रोशन स्टारर धूम और धूम 2 का डायरेक्शन किया था। फिलहाल तो संजय गढ़वी के अचानक निधन की खबर आने के बाद हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर डायरेक्टर को याद कर लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।